हे एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग वेब ब्राउजर मॉड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपने इंटरैक्टिव मोड की तरफ चलते हैं। ओके, पाइथन के शेल हम लोगों ने ले ली और अब वेब ब्राउजर यानी अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट हो गया, इसके अंदर की डायरेक्टरी को देखते हैं। वेब ब्राउजर हे, काफी चीजें हैं, वेब ब्राउजर, क्रोम, क्रोमियम। मैं आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि फंक्शनैलिटीज जो हैं वो एक तरह फंक्शंस की मिलती जुलती हैं। हाँ, इसमें जैसे कुछ चीजें से रजिस्टर करने पे आप अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया या फिर जो भी ब्राउजर यूज़ कर रहे हैं उसको रजिस्टर कर दिए, तो नेक्स्ट टाइम जब भी यूआरएल आपका ओपन होगा। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको, वेब ब्राउजर जो है वो आपके ब्राउजर में डायरेक्टरी को खोलने के लिए या फिर लिंक को खोलने के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक, तो रजिस्टर की बात करें तो जो भी आप रजिस्टर करेंगे इसमें ब्राउजर, उस ब्राउजर में नेक्स्ट टाइम लिंक ओपन होगा। ब्राउजर फंक्शन का मैं आपको यूज यहां पे दिखाता हूं। वेब ब्राउजर डॉट ब्राउजर यहां पे क्या दिखा रहा है, सी प्रोग्रामिंग फाइल्स इंटरनेट एक्सप्लोरर IEXPLORE.exe, यानी कि आपका रजिस्टर्ड या फिर जिसे कहना चाहिए डिफॉल्ट ब्राउजर जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है। यानी कि अगर आप कोई भी लिंक यहाँ से कमांड के जरिए ओपन करेंगे तो आपके ब्राउजर यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में खुलेगी। डजेंट मैटर आप कौन सा ब्राउजर में खोलना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्रोम, क्रोमियम इस टाइप के ब्राउजर्स के लिए इन फंक्शंस का यूज़ करना पड़ेगा। और बाकी फंक्शंस के बारे में आप लोग हेल्प मॉड्यूल्स से देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ उसके बारे में बताता हूँ। वेब ब्राउजर डॉट ओपन, यहाँ पे आपको यूआरएल का नाम देना है सर, यानी www.google.com। आपने जैसे ही एंटर किया तो ये आपका ऑप्शन मांग रहा है इसमें, लेकिन जब आप स्क्रिप्टिंग मोड में जाएंगे तब ये आपसे ऑप्शंस के बारे में नहीं कहेगा। और ये आपने google.com के लिए सर्च कर दिया। ओह, स्लो इंटरनेट कनेक्शन, इसलिए जब तक ये खुलते अब तक मैं आपको इसकी एक और खासियत बताता हूँ। कोई भी डायरेक्टरी अगर आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम में भी एक्सेस करनी है, ब्राउजर डॉट ओपन का यूज करिए और सी इसमें डबल बैक स्लैश का यूज होगा। विंडोज कोई भी डायरेक्टरी ले सकते हैं आप, सिस्टम 32 एंड cmd.exe, और यहाँ से दूसरा cmd खुल गया। इस टाइप से आप कुछ भी ओपन करना चाह रहे हैं, कोई भी डायरेक्टरी ओपन करना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर आपको cmd नहीं सिर्फ और सिर्फ सिस्टम 32 ओपन करना चाह रहे थे तो भी यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक, आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस तरीके से बहुत सारे डेविल्स बनाए जा सकते हैं वेब ब्राउजर डॉट ओपन फंक्शन का यूज करके। आप लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैरेसेस भी बना सकते हैं, कुछ डिलीट कर सकते हैं, कुछ नया खोल सकते हैं। आपने एक लूप बना दिया, जैसे कि किसी का सिस्टम हैंग कराना हो, पावर आई इन रेंज, मैं अपना नहीं कराऊंगा, 1, 10 9 टाइम्स ये लूप रन करेगा। और वेब ब्राउजर डॉट ओपन सी स्लैश विंडोज स्लैश सिस्टम 32, ये वही सिस्टम 32 है जो
विंडोज पासवर्ड ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है cmd.exe और enter. और आपके 10 cmds ओपन हो चुके हैं, 9 cmds सॉरी, कुल मिला के तो 10 ही हो गए. तो इस टाइप से आप अगर इसकी रेंज को इनफाइनाइट कर दें, यानी कि वाइल्ड लूप लगा सकते हैं आप, या फिर इनफाइनाइट रेंज कर सकते हैं किसी, और अगर ये प्रोग्राम किसी के सिस्टम में आपने रन करा दिया इसकी exe फाइल में कन्वर्ट करके या कैसे भी करके, तो उसके कितने ब्राउजर्स खुलेंगे, कितने cmd फंक्शंस खुलेंगे, या फिर कुछ भी आप जो खोलना चाह रहे हैं कितने ज़्यादा खुल जाएंगे, और इसका सिस्टम एक ना एक तरीके से हैंग हो ही जाएगा. यहाँ पे आप आई इन रेंज आपने एक डायरेक्टरी दी थी cmd.exe की, इसके नीचे आप कितनी भी डायरेक्टरीज दे सकते थे. आई थिंक आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी तो आप लोग हेल्प फंक्शन का यूज़ करिए और खुद से भी थोड़ा ट्राई करिए ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे ज़रूर कमेंट करें और जुड़े रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.